नमस्कार, मैं हूं मनु राव और मैं उदयपुर न्यूज का संपादक हूं। उदयपुर न्यूज को कोई और अपना बता रहा है और मुझे आप सबकी मदद चाहिए। मेरे साथ हो रहे इस अन्याय से लड़ने में मेरी मदद कीजिए। आप सब सोच रहे होंगे मैं आज ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। सभी जानते हैं उदयपुर न्यूज तो मनु राव का ही है और उसके सारे दस्तावेज भी उनके पास ही है। यह बात यहां पर इसलिए उठी है क्योंकि आज हम जिस कहानी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उसे समझने के लिए यह साबित करना बहुत जरूरी है कि हक किसका है। इस कहानी के चार किरदार हैं, जमीन के मालिक, एक दर्जन से ज्यादा दलाल, परेशान खरीदार और दबंग कब्जेदार। जमीन के मालिक जो थे वह दलालों के चंगुल में है और दलाल बड़ी राशि ऐंठने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खरीदार दर बदर भटक रहे हैं और स्वघोषित कब्जेदार समाज संगठनों की आड़ में दबंगई दिखा रहे हैं। जब सरकारी कागज लेकर खरीदार अपनी जमीन पर काम कराने के लिए पहुंचते हैं तो उनका स्वागत गोलियों से होता है। कानून की चौखट पर दस्तावेजी जांच होती है लेकिन अब तक भी कब्जेदार यह साबित करने में असमर्थ है कि जमीन उनकी कैसे। आलम यह है कि अब जमीन के आसपास बाहुबलियों का डेरा है, बेचने वाले लापता हैं और खरीदार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश जमीन के हक पर कब्जे की जंग की। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर में इन दिनों जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। जमीनों के इस धंधे में भूमाफियाओं, दलालों और कब्जेदारों की खूब चांदी होती है, इसीलिए यह व्यवसाय फल फूल भी रहा है। लेकिन असल धन कभी भी जमीन के उस मालिक को नहीं मिलता है जो उसका हकदार है। चलिए बात करते हैं 2012 की, जब गिरवा तहसील के डाकन कोटड़ा में रहने वाले वाला भील की जमीन सरकारी नियमों के तहत कन्वर्ट होती है। कुछ समय बाद वाला का निधन हो जाता है और जमीन वाला की पत्नी काली उर्फ केसरी और बेटे मोहन के नाम चढ़ जाती है। मतलब साफ है उस जमीन के असल मालिक केसरी और उसका बेटा मोहन है। केसरी के पति वाला भील विद्वान अधिवक्ता और पूर्व सरपंच भगवत सिंह राणावत के यहाँ खेती का काम करता था और साथ ही वाला अपनी जमीन में भी फसल बोकर परिवार का गुजारा चलाता था। उसके बाद यह काम केसरी और मोहन के जिम्मे आ गया। चर्चाएं हैं कि केसरी और मोहन के प्रति राणावत जी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था और घबरा कर उन्होंने जमीन बेचना ही उचित समझा। 1 सितंबर 2021 को जमीन का एग्रीमेंट होता है और 2 सितंबर 2021 को कुल 17,216 स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री रिटायर्ड थानेदार रसूल गन्नी खान, राजेश खटीक और रतन खटीक के नाम हो जाती है। इसके एवज में केसरी और मोहन को 26,40,000 रुपए टुकड़ों टुकड़ों में देना तय होता है और करीब 9,43,000 रुपए नगद और बैंक खाते के द्वारा दोनों तक पहुंच भी जाते हैं। कुल मिलाकर केसरी और मोहन की जमीन अब रसूल गन्नी खान, राजेश खटीक और रतनलाल खटीक की हो गई थी। 8 नवंबर को रसूल गनी के बेटे अनवर खान, राजेश खटीक और रतनलाल खटीक अमीन के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जमीन की नप्ती की जाती है। 17,216 स्क्वायर फीट की जमीन सरकारी महकमे का अधिकारी आकर तय करता है। इससे यह पुष्टि भी हो जाती है कि यह वही जमीन थी जो केसरी और मोहन ने बेची थी। किसी भी जमीन के खरीद और बेचान में शायद यही प्रोसेस रहता है और डाकन कोटड़ा में खरीदी गई यह जमीन भी सरकारी नियमों के अनुसार ही रसूल गन्नी खान, राजेश खटीक और रतन खटीक के खाते चढ़ी है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना मतलब सरकारी महकमे के जिम्मेदारों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के समान होगा। यहां तक तो कहानी आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ जाता है और सामने आता है कि जो जमीन इन तीनों ने खरीदी थी उस पर कब्जा तो पूर्व सरपंच भगवत सिंह राणावत का है।
वैसे आपको बता दें कि कन्वर्ट जमीन पर कब्जा नामुमकिन ही है। अमीन की नपती के बाद 9 नवंबर 2021 को अनवर खान, राजेश खटीक और रतन खटीक मौके पर जेसीबी लेकर पहुंचते हैं। पीला पंजा अपनी खुदाई खत्म करने ही वाला होता है कि मौके पर पहुंच जाते हैं पूर्व सरपंच भगवत सिंह राणावत, जिनके हाथ में .22 बंदूक है और वहां मौजूद सभी लोगों से बहस शुरू कर देते हैं। बाद में जेसीबी वाले को भगा दिया जाता है और जाते जाते राणावत जी 2 हवाई फायर भी करते हैं और तीनों को अपने यहां मीटिंग के लिए बुलाते हैं। सुनिए इस आपात बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु। हमारे कागज को चैलेंज करेंगे तो आप करोगे, हमारे कागज जो है वो गलत साबित करने के लिए आप ही चैलेंज करोगे पार्टी। मैं तो FIR करूंगा कि गलत आदमी ने खड़ा होकर रजिस्ट्री करी, ये होगा। मतलब अगर आप ये मतलब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और पुलिस में जाते हैं तो इसका एक ही इलाज है कि मेरे को FIR करनी पड़ेगी कि भाई गलत आदमी को खड़ा करके आपने रजिस्ट्री करवा के और जमीन बड़ी हड़पने का काम माफिया भू माफिया के नाम से पेपर में आ जाएगा। बस वो आइडेंटिफाई हो गई नहीं ना, कौन आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कौन वो आप आइडेंटिफाई हो गई नहीं ना, उसका किला कराओगे तो उसकी आईडी है उसकी पत्नी और बेटा जिंदा है ना, पत्नी का नाम केसरी है और वो काली बन गई है। मेरी बात सुनो, और वाले होकर मेरी बात सुनो, हमारे जो हमने रजिस्ट्री कराई तब भी हमने उसका ओरिजिनल आधार कार्ड लिया, ओरिजिनल आधार कार्ड से ही रजिस्ट्री करे अंगूठा लगा के, और वो भी देखा कि फर्जी खातेदार तो नहीं। फिर हमने गूगल ट्रेस निकाली, उससे भी देखा कि लोकेशन यही आ रही है नहीं, तो सब चीज़ें की जानकारी लेकर के हमने काम किया। कोई राठौड़ी काम थोड़ी कर रहे हैं क्या किसी भी आपकी बात, लेकिन राठौड़ी तो देखो इसमें कहीं कहीं सस्ती मिली होगी, कुछ होगा, कोई कोई मैनिपुलेशन है इसमें, कहीं कहीं गलत है। गलत नहीं होता है तो ऐसा गलत नहीं होता है तो वो तो मैं अगर एक प्लॉट भी खरीदने जाऊंगा तो अच्छी तरह से पता करूंगा कि पड़ोसी कौन है, अड़ोसी कौन है। मैंने वो तो सब जानकारी ले ली हमने सर, जानकारी लेकर के रजिस्ट्री करी, ऐसे नहीं करी आप जैसे सोच रहे हो, आपकी वो थिंक है सोच रहे हो ठीक है, आपके कागज है वो जब देखे सेटिस्फाई किया जाएंगे वो बात का विषय है। तो जो हमने भी जानकारी ली है तो देखा आपने राणावत जी ने क्या कुछ स्वर्गीय वाला की जमीन के नए मालिकों को कहा। उनके अनुसार वेला को वाला बना दिया गया और फर्जी तरीके से इसकी रजिस्ट्री हुई है, जबकि हम आपको वाला और केसरी का फोटो भी दिखा चुके हैं और सरकारी दस्तावेज भी जमीन के वाला के होने की पुष्टि करते हैं। राणावत साहब से जब अनवर खान ने जमीन के कागज संबंधी दस्तावेज मांगे तो वह कुछ नहीं बता पाए और यही कह दिया कि आसपास के लोगों से पूछ लो। लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि सरकारी कागजों में तो जमीन केसरी और मोहन की ही थी और उन्होंने बेची है। चलिए अब आगे क्या होता है वह भी बता देते हैं। कुछ दिनों बाद राजेश खटीक गिरवा तहसीलदार की शरण में पहुंचते हैं और बाउंड्री के बीच में आ रहे पेड़ों को कटवाने का प्रार्थना पत्र देते हैं। 26 नवंबर 2021 को तहसीलदार के यहां से एक आदेश जारी होता है जिसमें 5 पेड़ों के झुंडों को काटने और उसके बदले 10 पेड़ लगाने के निर्देश होते हैं। सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद अनवर खान, राजेश खटीक, रतन खटीक मजदूरों को लेकर पेड़ काटने के लिए मौके पर पहुंचते हैं और कटाई शुरू करते हैं। इसी दौरान भगवत सिंह राणावत फायरिंग कर देते हैं। करीब 3 फायर के बाद जब फिर से बंदूक में कारतूस भरने की कवायद होती है तब यह सभी लोग उस तरफ पहुंच जाते हैं और उनसे बंदूक छीनने का प्रयास करते हैं। इस दौरान राजेश खटीक चोटिल भी हो जाते हैं। पूर्व सरपंच जातिगत गालियां और जान से मारने की धमकी भी सभी को देते दिखाई देते हैं। देखिए यह झलक। अरे कागज में नहीं है ना तेरे, इस कागज में अरे कागज में वो पेड़ कटो तू कागज के मशीन का कागज आगे का चलेगा, मैं नहीं चलाने दूंगा। मेरे वहां से यहां तक जमीन है, ये हमारी सवाल ही पैदा नहीं होती, हमारी जमीन, इस जमीन का इसमें नहीं लिखा है।
ये इसका जमीन में नहीं देगा, आरएस जी नंबर डाल देगा, जितना भी देगा ये आरएस जी नंबर नहीं डाल देगा, नहीं देगा। ये बाइक मिला थी 16 जमीन है नहीं ना, तो ये तो परमिशन तीन चाले खाते के लिए खाते के लिए खाते के लिए ना, मामला कोर्ट में आ गया है, कोर्ट में नहीं है, हमारे नाम पे जमीन खाते 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 की नगर लाओ, खाते की नगर है दस्ती कन्वर्ट माल लाओ, खाते की नगर लाओ, सीधी सी बात है, पेपर इनका उस समय समझा है, मान ही नहीं रहे आप, साबित कर दो तुम कोर्ट से लेके आओगे कागज, कोर्ट से लेके आओगे, देख लो कोर्ट से कागज लेके आओगे, लगाओ सीधी जमीन है, बाकी और बाकी किसी भी हालत में नहीं मिले। हेलो, हाँ रावण, एक मिनट को आप पांच दस मिनट को बता रहा था, हाथ पे गलत फायर कर दी तो लेने को अटैक हो जी, अटैक अटैक मतलब आया था है, बता बड़े लाग जाते हैं, हां थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, हां पधारो पधारो, ये तो भगवान की मेहरबानी समझो, 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 जमीन की जंग में हक की ये लड़ाई खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस को जब्त बंदूक देने के बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंचता है और मुकदमा दर्ज करवाता है। कुछ ही देर में भगवत सिंह राणावत भी थाने पहुंच जाते हैं और मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। राणावत द्वारा दर्ज शिकायत की जांच सवीना पुलिस कर रही है, जबकि पीड़ित पक्ष का मामला एसटीएससी का होने की वजह से उनकी जांच एसटीएससी सेल के डिप्टी कुशाल चोरडिया कर रहे हैं। इधर तहसीलदार द्वारा जारी स्वीकृति की आखिरी तारीख भी निकल गई और जमीन के आसपास इन दिनों बाहुबलियों का मजमा लगा रहता है। कुल मिलाकर न तो केसरी और मोहन को उनकी जमीन की पूरी कीमत अभी तक मिल पाई है, न ही नए मालिक अपनी जमीन पर कुछ करवा पा रहे हैं और न ही भगवत सिंह राणावत के पास जमीन उनकी होने के सबूत हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता के सालों के कब्जे की जमीन पर दूसरे लोगों के आने का विरोध उदयपुर बार एसोसिएशन ने भी पुरजोर तरीके से किया और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के साथ सरकारी महकमे पुलिस और भूमाफियाओं की मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। दूसरी तरफ खटीक समाज की ओर से भी विरोध दर्ज करवाते हुए ज्ञापन दिया गया और हर परिस्थिति में खातेदारों के साथ खड़ा होने और लड़ने की बात कही गई है। पुलिस द्वारा बिना आधार पर कोई भी परिवाद दर्ज किया जाता है और जिस जमीन पर हमारे अधिवक्ता भगवत सिंह जी 70 सालों से कब्जे हैं, उनका पास में खेती है, मकान है और उस पर एक नौकर रहता था, वो कहीं अस्तित्व में नहीं है। उस नौकर का नाजायज फायदा उठाकर आजकल जो उदयपुर में भूमाफिया किसी का खाता खरीद कर उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं और इस प्रकार से अतिक्रमण करके और लोगों को जलील परेशान कर और मारपीट करने जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर इन्होंने खरीदा होता और रजिस्ट्री में कब्जा दिया हुआ लिखा होता है तो फिर ये कब्जा लेने क्यों गए? इनको लीगल कब्जे अभी का दावा करना चाहिए। आप सीधा पुलिस से मिलकर और इस प्रकार से हमला करो और अधिवक्ता को बदनाम करो और एक लीगल व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आप सोच लो एक गरीब के साथ क्या होता होगा। जिस प्रकार से भू माफिया ने आजकल पूरे उदयपुर शहर, इवन द ऑल राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया, ये इस प्रकार का भू माफिया है जिस प्रकार से गरीब व्यक्तियों का और जो वास्तविक भूस्वामी होते हुए वास्तविक कब्जेदार होते हुए ये इस प्रकार का निंदनीय कार्य किया गया है और पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस द्वारा जानबूझकर उन अपराधी है उनको सहयोग दिया जा रहा है। एक तरफ तो आप नगर निगम की तरफ से, यूआईटी की तरफ से, राजस्व गांव और शहरों की ओर केवल कब्जे के आधार पर पट्टे दे रहे हो और दूसरी तरफ ये आप इस प्रकार से लोग कब्जा करने आ रहे हैं उनको मदद कर रहे हो। कहाँ का न्याय है? आप हमें बुलाते देखते तो सही कि वास्तविक स्थिति क्या है। आपने उसको लेके पटक दिया और वास्तव में उस समय बुलाते हम बताते हमारा कब्जा कितने साल से, खेती कितने साल से हो रही है और वहां पे आज से नहीं पिछले 40-50 साल से महाराणा भगवत सिंह जी का टाइम से ही चल रहा है।
ये जमीन उनकी और उनके वारिसों की है और ये उनके भाई है। इसलिए भगवत सिंह जी अधिवक्ता के साथ जिस प्रकार से जो हमला हुआ है और उन पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, मैं कह रहा हूं मैं मेरे घर पे हूं और 10-15 जने हमला बोल लाएंगे तो मैं मेरे आत्मरक्षण में कुछ सेफ्टी तो करूंगा ना। मैं श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक, कल एक हमारे सामने एक केस आया कि कुछ राजपूत समाज के लोग जो हमारे, हालांकि राजपूत समाज के हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, मैं सारे समाज के लोगों को नहीं गिरा हूँ, कुछ लोगों के लिए जो असामाजिक तत्व के हैं, जिन्होंने कल आके एक व्यक्ति ने, व्यक्ति विशेष का नाम ले रहा हूँ, मैं किसी समाज के प्रति नहीं गिरा हूँ, व्यक्ति विशेष ने कहा कि अगर मैं होता तो गोली मार देता। क्या कानून उसको इजाज़त देता है कि दलित समाज को गोली मार दे? कानून देता है क्या इजाज़त? हमें इतने सालों से हम दलितों को पत्थरित होते आ रहे हैं और अब भी हमारे जमीनों को किसी ने जमीन खरीदी वहाँ पे, उनके पास लीगल पट्टा है, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आप उनको गोली फायरिंग करते हो और आप यहाँ आते हो और समाज को लेके आते हो सबको और कहते हो कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने एसटी का कार्रवाई केस लगा दिया, उनको हटाओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो एक तरह की दादागिरी होगी समाज सबके साथ में। आप समाज को भड़का के जातिवाद करके लड़ाई करवाना चाहते हो, जबकि मैं सभी राजपूत समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जैसे में नहीं आए, क्योंकि समाज, हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, हम भी पीठ का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से काम हो, कानून की प्रक्रिया से काम हो, लीगल काम हो। वो बंदा बोल रहा है कि मैं रोज़ ये करता हूँ, डेली मैं मोटरसाइकिल खोलता हूँ, अगर आपको मोटरसाइकिल खोलते हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, अगर उसके पास पट्टा है, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जब जाके उसको पट्टे रजिस्ट्री हुई होगी तो वो जाके उनको फायर किया और यहाँ आके बोलता है कि मैं उनको गोली मार देता अगर मैं होता तो मैं इसके लिए कड़ी निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आए और समाज से, खटीक समाज से माफ़ी मांगे आके, और इस केस के लिए एसपी साहब से भी निवेदन किया है और सबसे निवेदन करता हूँ कि इस केस में आगे आए और उनको न्याय मिले, और जो पीड़ित परिवार जिसकी गोली लगी, राजेश कुमार हाथ बताएं जरा इनका, इनके फायर किया, इनके हाथ क्या लगी है, इनको गोली चलाई उसके कुछ नहीं हुआ और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम सभी खटीक समाज के लोग, आज हमारे बंधु का कोई जमीन का मामला था, उनके स्थिति यह है कि उनके जमीन के कागजात हैं और वो कागजात भी रजिस्ट्री की हुई है, उनका आबादी पट्टा इश्यू हुआ है, इन चीज़ों को देखते हुए, सही चीज़ कागजों में देखते हुए हमने आज एसपी साहब को पूरी स्थिति बताई और कहा इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए, और कानून पड़ा है, पुलिस पड़ी है, न्यायालय पड़ा है, अगर कुछ अहित हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप न्याय मांगो और न्याय से अनुसार करो। हम भी यही कहना है कि इस तरह से कानून हाथ में नहीं लेवे, और कानून हाथ में लेवे तो हमारी यही एक निवेदन है कि कानून हाथ में नहीं ले, न्यायालय पड़ा है, सब पड़ा, उनके मार्फत आप काम करो तो एक अच्छा लगेगा, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, समाजों में विविध नहीं पड़ेगा और इससे एक भाईचारा बना रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता के कब्जे की जमीन को एक साजिश के तहत खुर्दबुर्द करने का प्रयास किया गया, इसलिए अधिवक्ताओं का समूह उनके साथ हो गया। वहीं खटीक समाज के भू व्यवसायियों को जान से मारने की कोशिश के साथ जातिगत गालियां दी गई, इसलिए पूरा समाज उनके साथ हो गया। जमीन की यह लड़ाई अब सामाजिक हो चली है, लेकिन इस कहानी के पहले के खेल से आपको रूबरू करवा देते हैं। यह कहानी शुरू होती है सवीना इलाके के भूमि दलालों से, जिनके चंगुल में अब तक केसरी और मोहन है, और वह जो कह रहे हैं वही यह दोनों कर रहे हैं। जो दलाल अभी जमीन के नए मालिकों को धोखेबाज बता रहे हैं, वही दलाल पैसों के लेन देन के समय भी केसरी और मोहन के साथ थे, रजिस्ट्री के समय भी केसरी और मोहन के साथ थे। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री में गवाह के रूप में भी साक्षी बने हैं। आइए दोनों तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं और कल्याण सिंह की उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी सुनाते हैं जो कई बातें साफ भी कर रही है और यह भी साबित कर रही है कि यह वही जमीन थी जिसका सौदा इन दलालों ने करवाया था।
सचिन ने खातेदार को ले जाके मतलब इन्हें सुटल कर दो, फायदा में आप रहोगा, मेरे को तकलीफ नहीं है, मैं आपके रजिस्ट्री करवाई है, फायदा में रोला इन लोगों कारण भी रो ठाकरदार हमारे फोन आयो बोलो कि तुमने सब करवाया, तुमने करवाया, मैं क्या करवाया, मैं यूँ रही हूँ, मैं क्या करवाया आपके, तुमने जमीन सब इनके करवाई, तुमने फायरिंग करवाई, नहीं करवाई तो अलॉटमेंट जमीन ही वाला नाम है अलॉटमेंट भी नाना विरासत तो मोटरसाइकिल कर लियो भगवत सिंह ने नाम रखे लिखा पड़ी बहन भगवत सिंह को खातू उड़ू हुए तो जिम्मेदारी भगवत सिंह की जगह खरीदी थी की थी नहीं वाला नाम पे कराई थी की वाला रही वाला बेच दी थी हाँ और मारा भाई काम कुछ आप तो वापस सविना थाने में 2 महीने पहले केस किया था, सविना थाने वाले कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे ना, इनको अब कहते हैं कि इनके क्या है जो है जो उनके लिमिट लोन बात कर लो तुम क्या क्या करना, और राजेश कटी वो रतन कटी ना वो कब्जा करने जा रहे जो भगत सिंह जी के कब्जे में जमीन जबरदस्ती जाके वो कब्जा कर रहे हैं, आज दिन तक इनको एक पैसा दिया ना कुछ नहीं किया, असल में जमीन इनकी है, हाँ जमीन इनकी है, कब्जा भगवत सिंह का। तो देखा आपने भूमि दलालों के दो रूप कैसे होते हैं, जो दलाल रजिस्ट्री में साक्षी हैं उस जमीन की बात कर रहे हैं, पैसों के लेन देन में भी साथ हैं, और जैसे ही विवाद हुआ अपने दोहरे रूप में आ गए। वैसे इस विवाद में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता रतन सिंह राठौड़ भी आते हैं, जिनकी रसूल गनी के बेटे अनवर खान से क्या बातचीत होती है और उसके बाद वह ऑन कैमरा क्या कहते हैं यह भी सुन लीजिए। हाँ नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। हाँ वकील साहब, तो हाँ? मैं कह रहा हूँ फिर आज जगह अपन मिले क्या करें, फिर आज मिले, आपके पास पैसे हैं क्या? तो पैसे तो होंगे तभी तो मिलेंगे भाई, कैसे मिलेंगे आपसे? आपका अरेंजमेंट हो जाए तो आप मिल लेंगे, अपन बातें अपन कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं बात तो अब करनी, क्या बात तो हो चुकी है, बात बार बार क्या अरेंजमेंट अरेंजमेंट कर लो आप, अरेंजमेंट करके अरेंजमेंट करके मैं आपको कॉल करता हूँ, तो आप पधार देना है ना। वो ठाकर भी कुछ सामान लाने के रहा कागज यार, वो बता रहा था यार, वो जाने ना आप जानो, मैं फालतू मेरे को इसमें क्यों लपेट रहे हो आप? नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, निवेदन कर रहा हूँ कि वो ठाकर भी बोला मैं कागज लेके आ रहा हूँ थाने पे, थाने से फोन करवाया था। अनवर भाई अगर आपको विश्वास है तो अपने बीच सब कुछ बातें हो चुकी है, आपको विश्वास नहीं है ना, आप मैंने उस दिन भी आपको यही कहा था आपके दिमाग में ये है कि मैं तो सब कुछ क्लियर कर लूँ फिर इनको घोंगड़े दे दूँ। नहीं नहीं वो तो आप वो नहीं होगा, मैं भी क्या है कि वो मतलब यूँ आपके ऊपर ट्रस्ट कर करके थक गया हूँ अब। नहीं नहीं आप बिल्कुल आपका जो आपका जो कोई जवाब नहीं है आपके लिए, समस्या ये हो रही है, ठीक है मैं आपके लिए किसी को यूं कहता हूँ ना कि नहीं यार बात चल रही है कि कोई मतलब नहीं है यूं कहते हो, अरे वो तो उनको तो पैसे से मतलब, उनको क्या करना है, उनको थोड़ी है क्या, और भी कई लोग है ना यार, यूं क्या कर रहे हो आपने मेरे को बोला कि अपन कल शाम को मैं आपको बता दूंगा, फिर आपने फोन से साहब से बात करा थी मेरी, फिर नहीं आपने फोन ही नहीं किया, अरे कल दिन भर उन्हीं कामों में उलझे हैं साहब हम भी। अरे भाई मैं आपको आप ये तो सुलझ के भाग जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हम भी तो आके सोचना पड़ता ना यार, सर आप जान ही रहे हो भाई, वो सब चीजें सही है, मैं समझता हूँ, मेरे को बकरी थोड़ी चलाता हूँ, क्या चल रहा है मेरे को सब मालूम है, मैं भी आपके ऊपर ट्रस्ट करके बैठा हूँ, आपके भरोसे को टेस्ट नहीं पहुंचेगी, आप मेरे पे भरोसा रखो हल्का सा, तो भरोसा रख के क्या खाऊं, क्या भरोसे होते खाऊं बताओ आप, मैं जवाब क्या दूं, वो समस्या ये हो रही है अनवर भाई। हाँ खैर वो आप सही कह रहे हो, जवाब मेरे को यूं तो है नहीं, कोई आपका मेरा कोई खुद का घर का मामला है। नहीं नहीं यार सही बात है, आप अगर आपके अरेंजमेंट हो जाए तो फोन करना मेरे को, तो मैं आ जाऊंगा और करवा देंगे, ठीक है मैं आपको दिन में ना फोन करता हूँ, फिर आने उनको फोन करके आज, और फोन करके हम दोनों और आपको बुलाता हूँ फिर। हाँ ताकि क्या है कि इसको बीमारी को काटे मतलब नहीं है इसको लंबा लंबा खींचने से। अरे यार हमारे भी दिक्कत ये आ रही है बहन, जो वो कह रहा मैं कागज ला रहा हूँ, सही हिसाब से बात हुई कल कि मैं कागज लेके आ रहा हूँ, ठाकर को फोन करवाया मैंने भाई कागज तेरे पास, उसको लेके आ, वो नीवे खोदी वो वापस भर रहा है, वापस हल चला रहा है, ऐसे अपन ने जो खोदी थी ना लाइनिंग डाली थी उसको मिटा रहा है, तो अगर वो मैं देख रहा हूँ साहब आप हमारा भी थोड़ा सा ये पक्ष ले लो हल्का सा, ये कारण है कि अगर अपना पैसा अगर दे दें सब कुछ दे दें तो अपना उलझ कर जाएगा यार, वकील साहब कहने का मतलब यूं। देखो अनवर भाई मेरी बात सुनो, अगर आप 50 के 2 करोड़ कर रहे हो ना तो आपको रिस्क अपने को लेनी पड़ेगी। नहीं रिस्क तो लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको नहीं रिस्क लेनी है तो मैं बता रहा हूँ आपको सीधा रास्ता, आपका जो पेमेंट लगा है उसका डबल मैं मंगवा देता हूँ, ये लोग करते रहेंगे अपने हिसाब से,
और लेनी है रिस्क, अगर आपको दो पैसे कमाने हैं तो आपको ये रिस्क तो अपने को उठानी पड़ेगी। भैया मैंने आपको उस दिन भी कहा था घर पे टिक रहा ये कि आप ये चैप्टर क्लोज कर, हम ही आपके खिलाफ खड़े मिलेंगे। नहीं नहीं ये बात भी सही है आप जो कह रहे हो, क्योंकि मैं भाई मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, पर आपको फिर मैं आपके क्या गलत है वो डाल दिया दिमाग में कि ये मतलब ये इस तरह से कैसे नहीं देना चाहते। दिमाग में गलत नहीं डाली है, पर वो क्या है कि वो परिस्थिति ऐसी हो रही है ना जो सामने है जो बोल रहा है वो सामने वो नहीं, उनको उनको गेम लग रहा है, गेम कर रहे हैं, हमें नहीं देना चाहते हैं, ये बेच के पैसा देना चाहते हैं ना, वो बात मैं खुद ही कह रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपने मुझे कल का टाइम दिया, परसों का टाइम दिया, तो पहले दो दिन तो देखो मेरी बात सुनो, मेरे पार्टनर के पास तो पैसे हो सकते हैं, पर मेरे पास कहाँ है, आप समझ नहीं रहे हो इस बात को। मेरे फादर की तबीयत, मैं तो उससे तो लेके दूंगा, कुछ ना कुछ सेटिंग ऐसी बिठा रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी को थोड़ा सा ध्यान में दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं मेरे क्या। हाँ मेरी बात सुनो, थाने में मौके पे जो भी खेल चल रहे हैं ना वो कोई हमारे से छुपे हुए थोड़ी है क्या, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपने खेल नहीं भरोसा कर दिया और उन लोगों को ये मेरी बात सुनो, वकील साहब मेरी बात सुनो, खेल नहीं कहते हैं, खेल का मतलब है हमारा पैसा अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी सारी जानकारी लेने का तो फर्ज बनता ही नहीं। इन्वेस्ट ऐसा है अनवर भाई, इन्वेस्ट रियल माल में किया जाता है, ये सब गेम होते हैं, इनके अंदर मालूम है क्या हो रहा है। तो कम इसमें अगर कोई वो कागज निकाल लगे तो फिर तो गेम गलत हो जाएगा, नहीं कह रहा हूँ मैं तो आपसे, बाकी तो ठीक है कर रहे हैं, बाकी तो कोशिश करेंगे कब जाके हम लेंगे। पास कोई कागज होते ना तो अनवर हुसैन की जमीन में हाथ ही डालता, अनवर भाई मैं इधर सब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ क्या। अरे नहीं नहीं वो अरे मैं गया ना उस ठाकुर से बात करके आया ना, अरे मेरे को सब मालूम है ना क्या हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन क्या अपन अपनी जबान पे नहीं खड़े उतर पा रहे ना, इसलिए लफड़ा पड़ रहा है। अब मैं भी उनको क्या करके रोकूं उनको बार बार। आज मैं उनको ये कहूँ अभी मेरे पार्टनर का वो बच्चे का आज वो गोल्ड बोल क्या कहते हैं गोल्ड पहनाना है मुझे, हाँ तो राखी बंध रही वो हो जाए फ्री हो जाए तो मैं आपको कॉल करता हूँ बुला करके। तो कुल मिला के आज कुछ नहीं होगा उसके, आज पहनने में पूरा दिन हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो 12 बजे तक बोला उसने, 11-12 बजे। अनवर भाई मैं यार बेटा आपको फिर निवेदन करके तो बता रहा हूँ, फिर आप कहोगे मेरे को फोन ही नहीं किया आपने मुझे बताया, मैंने क्या करना, मैं तो आपका फोन का इंतजार ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ आपके, मैं तो कर रहा हूँ ना आपको फोन को, मैं तो कर ही रहा हूँ ना। नहीं होता है अनवर भाई, मतलब मैं थोड़ा सा वो मैं आज जो भी है अपन इसका करके निस्कारण कर देंगे, पर मेरे को 100% गट फीलिंग आ रही है अभी कर देंगे आप दिन में या शाम तक, है ना, मैं अभी फोन करता हूँ वापस दिन में आपको, है ना, ठीक है जी। बताए वकील साहब किस तरह का मामला है? सर देखिए काली और केसरी और मोहन है डाकन कोटा के निवासी है, इनकी एक जमीन है SDO कन्वर्ट 17,000 फीट, इस जमीन पर इनके पति बालाजी काफी थे, बालाजी की मृत्यु होने से इनका नामांतरण हुआ, नामांतरण होने के बाद में इनको अनवर हुसैन है, रतनलाल खटीक और राजेश खटीक है, इन लोगों ने इनको ये कहा कि आपके नाम पर हमें दूसरी जमीन लेनी है, भीलों की जमीन भीलों के नाम पे ही होगी, हमारे नाम पे नहीं होगी, ये कह करके इनको बेला फुसला करके रजिस्ट्री ऑफिस लाए, रजिस्ट्री ऑफिस में इनकी पावरों पटौनी करवा दी जमीन की, पावरों पटौनी के माध्यम से इन लोगों ने खुद के रिश्तेदारों के खुद के नाम पे रजिस्ट्रियाँ करवा ली, रजिस्ट्रियों में जो DLC मेंशन के चेक है और एग्रीमेंट में जो चेक है वो सभी चेक इन्होंने अपने पास ही रख लिए, इनको एक रुपये का भुगतान नहीं किया, इस तरह से इनके साथ चीटिंग होने से ये लोग 11/10/2021 को मेरे पास आए थे, जिस पर मैंने इनको सविना थाने में पेश किया था रिपोर्ट के साथ में, वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई तो SP साहब के पेश किया था, SP साहब के यहाँ से जब रिपोर्ट थाने पे जाती है तो वहाँ पे परिवाद क्रमांक 533/21 में दर्ज कर लिया, जो अभी जेल जांच ही था, उसके बाद में जब इन लोगों के आपस में थाने वालों ने मुलाकात करवाई एक दूसरे से, थाने वालों ने कहा कि भाई आपस में बैठ के समझ लो आपके रुपए का लेन देन का मामला है, जबकि रुपए के लेन देन का मामला नहीं, तो चीटिंग हुई है इनके साथ में, इनको एक रुपए का भुगतान नहीं हुआ, आज इन तक पूरी जमीन का नामांतरण हो गया है, नामांतरण होने के अलावा DLC की जो चेक है, बैंक की पासबुक है, इनके जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, सभी कागजात उनके पास में ही, उन्होंने जबरदस्ती अपने पास रखे हुए हैं, पुलिस ने शिथिलता बरतने के कारण ये लोग जो है जिन्होंने धोखे से ये रजिस्ट्रियाँ करवाई है जबरदस्ती उस जमीन का कब्जा लेने के लिए पहुंचे, उस जमीन का कुछ पार्ट भगवत सिंह जी जो है वहीं के शायद पूर्व सरपंच है उनके कब्जे में था, उनसे जाकर के झगड़ा किया, इनके आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने पर कुछ फायरिंग की घटना हुई ऐसा सुनने में आ रहा है, इस संबंध में सविना थाने पर FIR संख्या 416/21, 417/21 और 422/21 दर्ज हुई है, जबकि मूल विवाद का जो प्रकरण है
वो अभी तक परिवाद में ही चल रहा है, उस पर FIR नहीं हुई, जबकि संज्ञेय अपराध की घटना है, सबसे पहले उसको दर्ज करना था। मूल विवाद तो इनका है, उसको पुलिस ने शिथिलता बरती, इस वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है और अभी भी पुलिस ने इनकी FIR दर्ज नहीं की है, इस वजह से अब हमारे को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। केसरी और मोहन के साथ चीटिंग हुई है, उन्हें उनका पैसा नहीं मिला है, आपने जितना पैसा लगाया है उसका डबल ले लो। इन सब बातों से भी साबित होता है कि यह वही जमीन है जो केसरी और मोहन की थी, मतलब पूर्व सरपंच भगवत सिंह राणावत के पास इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि यह जमीन उनकी थी या है। चलिए अब आपको रसूल गनी के बेटे अनवर खान, राजेश खटीक और रतन खटीक से मिलवाते हैं, जिनका क्या कुछ कहना है आप खुद भी सुन लीजिए। और दूसरी बात है कि वकील जो तबके के लोग हैं इनके साथ, जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड हैं, और BNK भी कुछ प्रेसिडेंट और कुछ रह चुके हैं ये, तो इन सब लोगों को मिसगाइड करके हमारे विरुद्ध एक ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं कि जिससे ये अपने आप को ज़मीन का कब्जेदार साबित कर दे, और कब्जेदार साबित करके हमारी ज़मीन को विवाद खड़ा कर दे, और ये साबित कर दे कि ज़मीन मेरे कब्जे में थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कन्वर्ट ज़मीन है, उस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, खाली पड़ी है। आपको मौका देख लेना, आपको वीडियो में दिख सकता है कि मौका पूरा खाली पड़ा हुआ है। जब हम JCP चला रहे, हमारे 5 लोग ही थे उस दिन, तब हमने पूरा काम करवाया, खड़ा रह करके घंटे 2 घंटे हमने काम करवाया, तो ये थोड़ी देर बाद ये आ जाते हैं और आ करके मौके बंदूक लेके आते हैं, JCP वाले को डरा देते हैं, JCP वाला उस समय चला जाता है, और इस तरह की घटना होकर के मेरे से बातचीत हुई। सौदा जो हमने लीगल किया है, उस लोग लीगल सौदे को अनलीगल करने की साबित करने में लगे हुए हैं, ये इनका एक प्रक्रिया चल रही है। दलाल कहते हैं या तो पैसा दो या फिर हम इसको अनलीगल साबित करें। इसके बारे में मैंने बहुत सारे सबूत पेश किए हैं, जो मैं लीगल हूँ, और कई दलालों के मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, रजिस्ट्री ऑफिस से लगाकर सौदा होने तक सारे वीडियो मेरे पास मौजूद हैं। मैंने बिल्कुल पैसा देते हुए वीडियो मौजूद हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि पैसा 1 रुपया नहीं दिया, ये संभव ही नहीं है। वकील साहब भी कह रहे हैं 1 रुपया नहीं दिया, और कुछ बाइट ऐसी मेरे महानुभावों की और किसी की आ रही है बड़े अधिकारियों की, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हमारे पैसे दे दो, इस वितरण को लेकर दलालों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कई गुंडों को इन्होंने बीच में हमसे धमकियाँ दिलवाई, सब कुछ किया, लेकिन हम लीगल होने के खातिर हमने इन बातों को नज़रअंदाज किया। हमने कहा कोई बात नहीं, वो अपनी प्रक्रिया कानून प्रक्रिया चलेगी, और वो ये उल्टा हमें गुंडा साबित करने के लिए कभी श्रीमान SP साहब के साथ पेश हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, ये जाँच का विषय चल रहा है। जांच में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए, कागज़ सब पेश कर दिए, और अभी भी मुझे शक है कि ये जो अभी हमारी घटना के बाद ये जो भगवत सिंह जी ठक्कर साहब हैं, जो अच्छा अपनी पहचान रखते हैं, ये किसी भी तरह से घूम करके और इनको मिसगाइड करके दलालों को और हमारे प्रति कुछ ऐसी कुछ दुष्भावना से कोई ऐसा काम नहीं करा ले। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये सब जो कागज़ हैं, आप निवेदन है कागज़ को आप देख लें और इस दुष्भावना से हमें बचाने की कोशिश करें। आए दिन हमें बड़े अभी तक हमारे पास धमकियाँ आ रही है, बड़े लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और किसी विवाद में फंसा देने की धमकी और दी जा रही है, झूठे विवादों में, कि उनके बड़े ताल्लुकात हैं, बड़े अधिकारियों से ताल्लुकात हैं, तो वह चाह रहे हैं कि इनको किसी विवाद में, इनको हिस्से सीटर होने के नाते मैं इनको किसी भी विवाद में डालकर फंसा दूँ और इनको जेल भेज दूं, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी HS हैं, इनके पर कोई भी जुर्म साबित कर दूंगा और मैं वकील भी हूं। तो इस तरह से उन्होंने कई अपने सामाजिक लोगों को और अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर हमारे विरुद्ध। तो देखा आपने, इस कहानी के 4 किरदारों ने जमीन के हक पर कब्जे की जंग की ऐसी मिसाल बिछाई कि यह विवाद शहर का सबसे हॉट विवाद बन गया। विद्वान अधिवक्ता, क्षत्रिय समाज, खटीक समाज, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जमीन की रजिस्ट्री, पैसों के लेन देन, विवाद, समझौता और विरोध, हर पहलू को वीडियो के साथ हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इस खेल में पुलिस पर आरोप लगाना भी गलत है, क्योंकि पुलिस का प्रवेश इस कहानी में फायरिंग की घटना के बाद हुआ है और पुलिस का पहला धर्म भी लॉ एंड ऑर्डर की पालना करना होता है, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पुलिस ने कई बार राणावत जी को जमीन संबंधित दस्तावेज भी मांगे,
लेकिन आज तक कोई भी दस्तावेज पूर्व सरपंच ने पेश नहीं किए। जमीन 26,40,000 में खरीदी गई है, जिसमें से 9,43,000 काली और मोहन के पास पहुंच गए हैं। अभी काली और मोहन कहां हैं क्या किसी को नहीं पता। उदयपुर न्यूज पुलिस प्रशासन को सलाह देता है कि काली और मोहन का पता लगाकर कुछ दिनों तक निगरानी में रखे, ताकि उन पर दबाव, धमकी या पैसों की हेरा फेरे की कहानी का पता चल सके। क्योंकि जिस हालत में इन मां बेटों ने जमीन का सौदा किया है, अगर वह पैसा उन्हें नहीं मिलेगा तो ऐसा ही माना जाएगा कि उनका धन भी गया और धर्म भी। नमस्कार।